एयर इंडिया से एक पर्सनल कनेक्ट बन गया था, नहीं मैं बोल भी नहीं पा रहा। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 28 नवंबर 2019 और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। मैं अभी जस्ट उठा हूँ और मैं सोचा कि आज मेरा एयर इंडिया में लास्ट डे है तो मैं इस पर भी एक ब्लॉग बनाऊँ। तो मैं अभी जस्ट उठा हूँ और आज फुल डे डॉक्यूमेंटेशन है। सो आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और एक एक्साइटमेंट भी है अंदर से, क्योंकि आज लास्ट डे है और इससे आगे लाइफ में बहुत कुछ करना है। तो देखते हैं आज का दिन कैसा होता है। एंड गाइस, आज है वो लास्ट टाइम जब मैं एयर इंडिया का आई कार्ड पहनूंगा। सो क्वाइट इमोशनल। देखते हैं कैसा होता है आज लास्ट डे इन एयर इंडिया का व्लॉग। सो वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। हर दिन की तरह आज का दिन भी उससे डबल एनर्जी के साथ स्टार्ट हो चुका है और आज लास्ट डे है तो मेरे लिए बहुत ही इमोशनल और एक्साइटेड दोनों है आज का दिन। तो देखते हैं क्या क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या नहीं होता है। सो स्टे ट्यून्ड। मैं एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ। सो गाइस, फाइनली मैं हर रोज की तरह आज भी एयर इंडिया में एंटर कर चुका हूँ। गाइस, आई हैव कंप्लीटेड माय फर्स्ट स्टेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। नाउ सेकंड स्टेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन विल बी कवर्ड आफ्टर ब्रेक। तो फिलहाल अभी ब्रेक का टाइम है तो मैं जा रहा हूँ कैंटीन में और ये प्लेस को मैं कभी नहीं भूल सकता। सो कैंटीन में भी आज मेरा लास्ट है, सो आई विल डेफिनेटली मिस दिस। चलो ठीक है, मिलता हूँ फिर, बाय। आई एम गोना मिस दिस प्लेस। अभी मैं एक सर का चार्जर लिया था, पहले उनको चार्जर दे के आता हूँ फिर जाऊँगा अपना सेकंड फेज का डॉक्यूमेंटेशन में। बाय बाय कॉकपिट, आई एम डेफिनेटली गोना मिस दिस प्लेस टू। Boeing 747। तो अभी मैं जा रहा हूँ शिफ्ट इंचार्ज का ऑफिस, शिफ्ट इंचार्ज का साइन लेना है और फिर उसके बाद BMD ऑफिस। थैंक यू सर। Right now I have to write one application for my experience certificate. तो मैं अभी letter लिख रहा हूँ। तो second session of documentation is also completed now. अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे और ब्रेक से आने के बाद होगा थर्ड सेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन जो चलेगा 4 बजे तक। यार, इस जगह ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और फ्रॉम माय ट्रेनिंग टू माय एक्सपीरियंस एंड टू माय नॉलेज एवरीथिंग, एयर इंडिया हैज़ ग्रूम्ड मी परफेक्टली। सो यहाँ से जाने का खुशी तो है ही, बट थोड़ा इमोशनल भी हूँ क्योंकि
यहाँ से मैं बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ, खुश हूँ, बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ और आगे बहुत कुछ करना है। सो फाइनली आई एम बैक फ्रॉम माई लंच ब्रेक एंड अभी टाइम है थर्ड स्टेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का, बट उससे पहले मुझे 147 कॉफी जाना है, वहाँ पे कुछ इंक्वायरी करना है। सो आज के इस ब्लॉग में भी सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशनल बातें ही होंगी, क्योंकि ये मेरा सपना था एयर इंडिया, क्योंकि मेरा एक सपना था बोइंग पे वाइड बॉडी पे एयर इंडिया से ट्रेनिंग लेने का, और ये सपना मैंने 3 साल पहले देखा था, तो फाइनली आज पूरा होने को है, तो बहुत खुश हूँ मैं। फाइनली चलते हैं अपन थर्ड स्टेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ मेरा सबमिट किया हुआ है, बस लेना है। चल ठीक है, मिलता हूँ। हाँ ठीक है। चलो मिलते हैं, होते हैं फिर, बाय। फाइनली मैं एयर इंडिया को टाटा बाय बाय करके बाहर आ चुका हूं, और ये आईडी कार्ड भी सबमिट हो गया जो मेन पास होता है, और मंथ का ओजीटी कंप्लीट हुआ हमारा। बट निकलने से पहले एक बोइंग 777-200 and 300 को लेकर एक लोचा हुआ, क्योंकि मेरे सर्टिफिकेट में मेंशन करना था दोनों, बट मैंने बोइंग 777-200 का एक्सपीरियंस नहीं लिया था, बट सिर्फ 777 ही लिखा था, बट मैंने कंफर्म किया तो 200-300 स्लैश डाल सकते थे। आई होप आपको समझ में नहीं आया होगा, बट ये हुआ मेरे साथ। और फाइनली 5 एयरक्राफ्ट की एंट्री मुझे मिल गई, और 5 एयरक्राफ्ट की एक्सपीरियंस मुझे मिल गई, सो दैट्स बिग थिंग फॉर मी। सो यही था लास्ट डे ऑफ एयर इंडिया का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, डू डबल बट डोंट ट्रबल एनीबडी। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।